क्या कांग्रेस ने एक सोचे समझे एजेंडे के तहत हिंदुओं के खिलाफ ये साजिश रची, बताते हैं आपको। देखिए, याद कीजिए 25 अगस्त 2010 को पी चिदम्बरम जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि भगवा आतंकवाद का नया चलन जिसका कई धमाकों में हाथ है। इसके बाद 20 जनवरी 2013 सुशील कुमार शिंदे जो कि तत्कालीन गृह मंत्री थे, उनका बयान आया कि बीजेपी और आरएसएस के शिविरों में, संघ के शिविरों में हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग। फिर 20 अगस्त 2014 को राहुल गांधी का बयान आया, कहा कि जो लोग मंदिर जाते हैं आपको माँ बहन कहते हैं वही छेड़छाड़ करते। 9 दिसंबर 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, विशेषकर मुसलमानों का, ये तुष्टिकरण की नीति के तहत। और 16 मई 2017 को कपिल सिब्बल ने भी कहा कि जैसे राम अयोध्या में पैदा हुए थे वैसे ही ट्रिपल तलाक हलाला भी आस्था के विषय। मतलब हिंदुओं से कैसे दिक्कत है ये समझा रहे हैं आपको कांग्रेस पार्टी को। 11 जनवरी 2018 को कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कहा, मैं हिंदू हूँ लेकिन वो बिना मानवता के हिंदू है, वो हिंदुत्व के आतंकवादी है, ये सिद्धरामैया ने कहा। और बीजेपी और तमाम हिंदू संगठन अब हिंदू आतंकवाद की कांग्रेस की साजिश पर जमकर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने हिंदू संस्कृति को धूल में मिलाने की कोशिश की। हिंदू आतंकवाद के नाम पर जो साजिश कांग्रेस सरकार ने रचा था वो पूरी तरह उसका पर्दाफाश हो गया है। पूरे भारत को और हिंदू संस्कृति को, समाज को एक तरह से धूमिल करने का जो कोशिश किया था उसके खिलाफ ये लड़ाई है। ये वही महबूबा मुफ्ती है ना जो देश का अलग प्रधानमंत्री की मांग करती है, कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री हो। ये तो आतंकवादियों को पनाह देने वाली महबूबा मुफ्ती है, ये आतंकियों की अम्मी बनी बैठी है, ये साधु संतों पर टिप्पणी कर रही है।